कंट्रोल योर एंगर बिफोर इट स्टार्ट्स कंट्रोलिंग यू। ये वो फ्रेज है जो आपने अक्सर जगहों पर पढ़ा होगा और इससे रिलेटेड आपने बहुत सारी वीडियोस भी सर्च की होंगी कि हाउ टू कंट्रोल योर एंगर, और बहुत सारी मेडिकेशन और योगा के बारे में भी सर्च किया होगा। लेकिन फिर भी जाहिर है गुस्सा आ जाता है और इसे कंट्रोल करना हमारे बस में नहीं होता। इस वीडियो में मैं आपको किसी मेडिकेशन या योगा के बारे में नहीं बताऊंगी एंगर कंट्रोल करने के लिए। इस वीडियो में बस एक बात कहूंगी, आप उसे गौर से सुनिएगा और इसके बारे में सोचिएगा। ये बात आपको बहुत हेल्प करेगा अपना एंगर, अपना गुस्सा कंट्रोल करने में। गुस्सा एक्चुअली है क्या, एंगर क्या है? गुस्सा एंगर दरअसल ऐसी कैफियत, ऐसी फीलिंग या आपके अंदर मौजूद ऐसे एहसास का नाम है जो तब होता है जब आपके मिजाज या आपकी मर्जी के खिलाफ कोई बात हो जाए या कोई काम हो जाए, या उस काम के होने का या उस बात के होने का आप तवक्को नहीं कर रहे हो। यानी कोई ऐसा काम या कोई ऐसी बात जो आपके एक्सपेक्टेशन के बरअक्स हो जाए या आपकी तवक्कोआत के बरअक्स हो जाए, और ऐसे काम के हो जाने की वजह से आपके अंदर जो फीलिंग्स पैदा होती हैं या आपके अंदर जो एहसास पैदा होता है उसे हम गुस्से का नाम कहते हैं, उसे हम एंगर कहते हैं। एंगर एक नेचुरल सी चीज़ है, जाहिर है सबको आता है। हर के मिजाज और मर्जी के खिलाफ कोई बात हो जाती है या कोई काम हो जाता है तो हमें गुस्सा आ जाता है। जैसे कि किसी ने आपके साथ झूठ बोल दिया और आपको पता चल गया कि उसने आपके साथ झूठ बोला है, तो आपको ये जान के गुस्सा आएगा कि उसने मेरे साथ झूठ क्यों कहा, गलत बयानी क्यों की। या किसी ने आपके कपड़ों पे चाय गिरा दी, कुछ गिरा दिया, या अगर किसी ने आपकी कोई फेवरेट चीज़ तोड़ दी या घुम कर दी तो जाहिर है आपको गुस्सा आता है। आपकी कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट किसी से डिलीट हो जाए तो जाहिर है आपको गुस्सा आता है। तो लिसनर्स, जब भी आपको गुस्सा आए किसी भी गलत काम के हो जाने पे या किसी भी गलत बात पे हो जाने पे जो आपको गुस्सा दिला रहा है, तो गुस्सा करने से पहले आप एक बात ये ज़रूर सोच लें कि क्या मेरा गुस्सा करने से ये गलत हुआ हुआ काम या ये गलत हुई हुई बात ठीक हो जाएगी। क्या मेरा गुस्सा करने से या चिल्लाने से या हाइपर होने से मेरे डिलीट हुए हुए डॉक्यूमेंट्स वापस आ जाएंगे, या क्या मेरा गुस्सा करने से, चिल्लाने से, हाइपर होने से झूठ कही हुई बात सच हो जाएगी, या क्या मैं अपने गुस्से से गलत हुए हुए काम ठीक कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आपके अंदर से क्या जवाब आएगा? जाहिर है नहीं, आपके गुस्सा करने से कोई भी गलत हुआ हुआ काम ठीक नहीं हो जाएगा। ये सवाल आप अपने दिल से पूछिए, ये सवाल आप अपने दिमाग से पूछिए कि क्या मेरा गुस्सा करने से ये गलत हुआ हुआ काम या ये गलत हुई हुई बात ठीक हो जाएगी। तो जाहिर है आपको जवाब आएगा नहीं, नहीं, नहीं। आपके गुस्सा करने से ना तो आपको फायदा होने वाला है, ना किसी और को फायदा होने वाला है, ना गलत हुआ हुआ काम ठीक होने वाला है, ना झूठ बोली हुई बात सच होने वाली है। हाँ, लेकिन आपके गुस्सा करने से आपको नुकसान जरूर होने वाला है, आपकी हेल्थ को नुकसान होने वाला है। एंगर किस किस तरीके से आपको इंटरनली डैमेज करता है, ये आप गूगल पे सर्च करके खुद देख सकते हैं। तो मेरे नज़दीक एंगर को कंट्रोल करने के लिए हमें किसी मेडिकेशन या योगा वगैरह की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपने एंगर को कंट्रोल करने के लिए हमें सिर्फ एक सोच की ज़रूरत है, वो ये कि क्या मेरा गुस्सा करने से मेरा बिगड़ा हुआ काम ठीक हो जाएगा, क्या मेरा गुस्सा करने से मेरे डिलीट हुए हुए डॉक्यूमेंट्स वापस आ जाएंगे, या क्या मेरा गुस्सा करने से टूटी हुई चीज़ जुड़ जाएगी दोबारा। जाहिर है नहीं। तो लिसनर्स, अगर आपको भी गुस्सा ज़्यादा आता है तो अपना गुस्सा करने से पहले या अपना गुस्सा निकालने से पहले ये ज़रूर सोच लीजिए कि क्या आपका गुस्सा करने से आपका ख़राब हुआ हुआ काम सही हो जाएगा, और ये भी ज़रूर सोच लीजिए कि ये गुस्सा या ये एंगर आपको इंटरनली कैसे डैमेज कर रहा है। अगर आप ये सोचने लग गए और अगर आपने अपनी सोच बदल ली तो यकीन जानिए इस गुस्से जैसी कैफियत से आप बहुत जल्दी छुटकारा हासिल कर लेंगे और इस सोच से आपको काफ़ी अफाका होगा। तो सोचते रहिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।